हरे कृष्णा। 23/9/2021 को मुंबई व केकेआर के बीच मैच होगा शाम 7:30 बजे, और हम ड्रीम 11 की टीम से ही प्रेडिक्शन करेंगे जो प्लेयर्स की है। जो ड्रीम 11 के प्लेयर में जो प्लेयर्स हैं दिए हुए, उन्हीं के आधार पर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि प्लेयर का प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो दोनों टीमों के मिक्स रहेंगी ये प्रिडिक्शन, और जैसा कि हम पहले करते थे अलग अलग टीमों का, MI व KKR का, तो वैसा नहीं रहेगा, दोनों के मिक्स प्लेयर रहेंगे। तो कुछ हमने नाम लिए हैं ड्रीम इलेवन से, तो देखते हैं उनका कैसा प्रदर्शन है, कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं उनके बारे में। ये हम कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताते हैं, आपके सामने कार्ड हैं, और जो भी कार्ड ओपन होता है वो भी आपके सामने ही होता है। हम सवाल लेते हैं कि भाई इस प्लेयर का प्रदर्शन कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो कार्ड्स प्लीज़ हमें बताएं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो है विकेट कीपर, जो हमने नाम लिया है डीकॉक, तो कार्ड प्लीज हमें बताएं कि जो 23 तारीख का मैच है, 23/9/2021, उसमें डीकॉक नाम के जो विकेट कीपर हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं। ओके, जो पहला कार्ड आया है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा कार्ड मानते हैं इसको, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। तो जो विकेट कीपर है डीकॉक, इनके लिए हम ये कह सकते हैं ही विल प्ले वेरी गुड। दूसरे हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा, जरा कार्ड हमें बताएं। ओके, पेंटिकल का कार्ड है, ये कार्ड आपको नेगेटिविटी शो नहीं करता, मेहनत को शो करता है। मतलब दिनेश कार्तिक के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा खेलने का प्रदर्शन करेंगे, ही विल प्ले गुड। फिर है ईशान किशन करके भी एक विकेट कीपर है, उसका भी मैंने नाम लिया है कि वो कैसा प्रदर्शन करेंगे इस मैच में। ओ वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये भी बहुत ही अच्छा और पॉजिटिविटी से भरा हुआ कार्ड है, तो इनके लिए भी हम कह सकते हैं ही विल प्ले गुड। अब बैट्समैन के हमने नाम लिए हैं रोहित शर्मा। जो सबसे पहले बैट्समैन का नाम है वो है रोहित शर्मा, उनका प्रदर्शन इस मैच में कैसा रहेगा, ये थोड़ी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स होती हैं इस कार्ड की। उनके पास स्किल हैं, बेहतर हैं वो, पर उसका उसको मतलब पकड़ के रखना, उसका इस्तेमाल नहीं करना, ये कार्ड यही बताता है। तो रोहित शर्मा के लिए हम ये कह सकते हैं कि ही विल प्ले एवरेज। सेकंड नाम है पोलार्ड। जो पोलार्ड करके प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा। ओह वाह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गुड। पोलार्ड जो है वो अच्छी एनर्जीज के साथ है, ही विल प्ले गुड। उसके बाद है एस यादव, मतलब सूर्य कुमार यादव, इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा। द हाई प्रेस्टीज, ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, अपनी ज्ञान, अपनी गुणवत्ता और अपनी सूझबूझ के साथ वो खेलेंगे, तो इनके लिए भी हम यही कह सकते हैं कि ही विल प्ले गुड। फिर नीतीश राणा, नीतीश राणा का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा, कार्ड हमें प्लीज बताएं। ये एक नेगेटिव कार्ड है, जो नीतीश राणा हैं उनके लिए एक नेगेटिव कार्ड है, और वो काफ़ी स्ट्रगल और संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि नीतीश राणा के लिए ही विल नॉट प्ले गुड। एस गिल, जो गिल करके प्लेयर हैं, उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा, गुड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं, तो ही विल प्ले एवरेज। ई मॉर्गन,
ई मॉर्गन, यॉन मॉर्गन जो है, ई मॉर्गन करके जो प्लेयर है, इनका प्रदर्शन इस मैच में कैसा रहेगा? ओ द डेविल, ये भी एक नेगेटिव कार्ड है। तो कार्ड के हिसाब से तो जो मॉर्गन है उनका प्रदर्शन तो अच्छा नहीं बता रहा है, ही विल नॉट प्ले गुड। फिर है आर त्रिपाठी, त्रिपाठी जो है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? कार्ड्स प्लीज हमें बताएं। वेरी गुड, सेलिब्रेशन कार्ड, आर त्रिपाठी जो है ही विल प्ले, वेरी गुड। फिर एस तिवारी, तिवारी जो है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लकी एंड पॉजिटिव कार्ड, ही विल प्ले गुड। तिवारी के लिए भी हम यही कहेंगे, ही विल प्ले गुड। उसके बाद हमने लिए हैं ऑलराउंडर के नाम, तो जो ऑलराउंडर है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? रसल, आद्र रसल करके जो है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? वाओ, पॉजिटिव कार्ड है, ही विल प्ले गुड। फिर है हसन, हसन करके जो एक प्लेयर है, ऐसे हसन हसन करके जो है कोई प्लेयर, उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? नो 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 नो, ये तो नेगेटिविटी शो करता है, पर अगर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें तो हो सकता है अच्छा, लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हम, एवरेज कह सकते हैं, ही विल प्ले एवरेज। फिर हार्दिक पांड्या, एच पांड्या करके हैं उनका इस मैच में, पांड्या जो है उनका, हार्दिक पांड्या, एच पांड्या, वो वाओ 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 वाओ, बहुत ही नाइट ऑफ सोर्ड्स, तूफानी प्रदर्शन हो सकता है अभी पांड्या जी का, तो बहुत ही अच्छा, ही विल प्ले गुड। फिर एक है एस नरीन, इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? नरीन करके, गुड, वेरी गुड, सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, ही विल प्ले गुड। फिर है कुणाल पांड्या, हाँ के पांड्या, इनका प्रदर्शन इस मैच में कैसा होगा? कार्ड्स हमें प्लीज बताएं, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, बहुत बढ़िया, ही विल प्ले गुड। फिर है बॉलर्स के नाम, जिसमें है ट्रेंट बोल्ट, टी बोल्ट करके एक नाम है इनका, तो इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? वेरी गुड, ही विल प्ले वेरी गुड। जे बुमराह का इस मैच में कैसा प्रदर्शन है? पॉजिटिव कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, ही विल प्ले गुड। फिर एक है टी सऊदी, सऊदी करके, टिम सऊदी या टी सऊदी हैं इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? जो टिम सऊदी करके जो व्यक्ति हैं, प्लेयर हैं, ओके, एवरेज रहेगा, सोच समझ के खेलेंगे, अच्छा है इनका भी, ही विल प्ले गुड। फिर है एडम मिलन करके एक है बॉलर, उनका हम देखते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं एडम के बारे में, एडम का प्रदर्शन कैसा है? गुड, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ये भी, ही विल प्ले गुड। पी कृष्णा का इस मैच में कैसा प्रदर्शन है? नो नो नो, द टावर, ये नेगेटिव कार्ड है, ही विल नॉट प्ले गुड। फिर राहुल चहर है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? जजमेंट, ही विल प्ले गुड। वरुण चक्रवर्ती का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? नो, कार्ड्स ने तो नेगेटिविटी शो की है वरुण चक्रवर्ती के लिए, ही विल नॉट प्ले गुड। फिर है लोकी करके है एक प्लेयर का नाम, लोकी फग्यूरसन ऐसा करके कुछ नाम है, पर लोकी एल से है, लोकी का इस मैच में कैसा प्रदर्शन है? कार्ड प्लीज हमें बताएं। गुड, पीस ऑफ मैंस, तो इनका भी प्रदर्शन, लोकी जो है ही विल प्ले गुड। इस तरीके से हमने ये कुछ कार्ड्स देखे हैं प्लेयर्स के लिए,
जिनमें से कुछ प्लेयर्स की नेगेटिविटी शो हुई है और कुछ बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो हमने देखा कि दोनों ही टीम के जो ड्रीम इलेवन की जो टीम है उनमें जो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो हमने कार्ड्स के ज़रिए जाना। अब हम बात करते हैं कि टीम कौन सी विजेता रहेगी, वो प्रश्न कुंडली से हम आपको बताएंगे कि प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से जो हमने जाना है मुंबई और केकेआर की जो टीम है उसमें विजेता टीम कौन सी होगी, तो वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बता देंगे। थैंक यू।